नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुशवाहा और आप देख रहे हैं द लॉलीपॉप्स। दोस्तों, अगर आप YouTube के काफ़ी लंबे समय से अगर यूज़र्स हैं तो YouTube आप लोगों के लिए एक नई खुशखबरी लेके आया है। खुशखबरी ये है कि YouTube एक नया फीचर लॉन्च करने जा रहा है। उस फीचर का नाम है शॉर्ट्स, जो हूबहू TikTok के जैसा है। TikTok, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स आप लोग देखते हैं, एंटरटेन होते हैं और काफ़ी उसके यूज़र्स हैं आज की डेट में। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी कहानी कहां से शुरू हुई। ये कहानी शुरू हुई अक्टूबर 2019 से, जब एक विदेशी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें ये लिखा था कि गूगल एक फायरवर्क्स नाम की एप्लीकेशन को एक्वायर करना चाह रहा है। वो एप्लीकेशन हूबहू TikTok के जैसी थी, मगर अब TubeFilter ने स्वयं YouTube से ये पुष्टि करी कि वो एक नया फीचर लाने वाला है जिस फीचर का नाम है शॉर्ट्स, और जिसे वो इस साल के अंत तक लॉन्च कर देगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि YouTube आखिर TikTok को यह चैलेंज देना क्यों चाहता है। बात करते हैं रेवेन्यू की। TikTok के रेवेन्यू की बात करें तो TikTok ने लास्ट ईयर 176.9 मिलियन डॉलर्स कमाए, हालांकि जो YouTube के रेवेन्यू के बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा। और अगर हम बात करें यूजर्स की, तो पिछले 4 सालों में TikTok ने 500 मिलियन यूजर्स बनाए, और जो YouTube के यूजर्स के मुकाबले 25% है। तो दोस्तों, अगर YouTube ये फीचर लेके आता है तो TikTok को तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन मिलने वाला है। हालांकि TikTok एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोग काफ़ी एंटरटेन हो रहे हैं, मगर YouTube ने भी ये सारी चीज़ें देखते हुए शॉर्ट्स नाम का फीचर लाने का ऐलान किया। मगर TikTok में एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसका फ़ायदा YouTube उठा सकता है। वो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि TikTok के पास पूरी तरीके से रिकॉर्ड लेबल्स के ऑथराइजेशन नहीं है। हालांकि TikTok ने अभी कुछ कंपनियों के साथ, जैसे कि यूनिवर्सल, वॉर्नर और सोनी के साथ उन्होंने एक लाइसेंसिंग डील करी है, तो उससे तो थोड़ा बेनिफिट मिला TikTok को। मगर ये खबर सुनने के बाद TikTok, आखिर अब देखना ये होगा कि TikTok अपना अब क्या कदम उठाता है, कैसे इस कंपटीशन का मुकाबला करता है, अब देखना यही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ।